जय भीम, जय जोहार साथियों। आज हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की पत्नी है जगीशा अरोड़ा, और जगीशा अरोड़ा हमें बताएंगी कि प्रशांत कनौजिया को अब तक किस तरह जेल में रखा गया है, क्या मामला था पूरा, और अब तक क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, उनको बाहर निकलने में क्या दिक्कतें आई हैं। तो नमस्कार जगीशा। नमस्कार। शुरू से मैं बताऊं तो इस तरीके से था कि 18 अगस्त को पुलिस आती है और प्रशांत को बोलती है कि हम मतलब गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो पूछा गया कि क्यों, तो बोला कि किसी कोई ट्वीट के मतलब संदर्भ में है ये। तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि कोई ट्विटर पे प्रशांत ने एक ट्वीट किया था, उसको लेके गिरफ्तारी हुई थी। वो ट्वीट ऐसा था कि जो ओरिजिनल जो ट्वीट था सुशील तिवारी का, वो ये था कि यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज हटा दी जाए। ठीक है, किसी अननोन व्यक्ति ने, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, उसने एक मॉक इमेज बनाई थी कि SC ST OBC का मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा। इस तरीके की इमेज बहुत पहले से सर्कुलेट हो रही थी। प्रशांत ने 16 अगस्त को उनके पास इमेज आई होगी तो उन्होंने शेयर कर दिया, और जैसे पता चला कि ये मॉक इमेज गलत है तो उन्होंने उस इमेज को डिलीट कर दिया। लेकिन क्या कहें कि उनका स्क्रीनशॉट ले लिया जा चुका था, जैसे भी उस आधार पे किसी थर्ड पर्सन ने गिरफ्तार मतलब FIR कर दी कि प्रशांत ने सुशील तिवारी जी की मानहानि की है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर पुलिस आई और गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कभी तुम्हारी प्रशांत से बात हुई है, या क्या मतलब कह रहे हैं कि उसको बेल क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है अब तक? अभी तक तो बात नहीं हो पाई है, मिलने भी नहीं दे रहे हैं, और ना मतलब बात फोन पे भी बात नहीं की जा रही, क्योंकि कोविड का टाइम है तो इसलिए वो मिलने नहीं दे रहे हैं। और बात तो खैर फोन पे हो नहीं सकती है। और दूसरी बात ये है कि बेल इस वजह से हो रही है कि पहले जब हम सेशन कोर्ट में गए तो रिजेक्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय लगे, 1 महीने का समय दिया है यूपी सरकार को कि काउंटर दीजिए कि प्रशांत को बेल क्यों मिलनी चाहिए। तो अभी 4 हफ्ते और समय बढ़ा दिया गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो प्रशांत अभी तक जेल में है, उसके बाद 4 हफ्ते को और बढ़ा दिया गया है। प्रशांत जो है पिछले 1 महीने से जेल में हैं, और वो सोशल मीडिया पे एकदम एक्टिव हैं। दलित जो समुदाय है उनकी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं, और सोशल मीडिया पे जब वो लिखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। उन्हीं की वाइफ हैं जगीशा अरोड़ा जो हमें बता रही हैं। जगीशा, अभी क्या चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि जो प्रशांत ने जो शेयर किया था ट्वीट, और गलती से हो गया था, जैसे हम फेक न्यूज़ के दौर में हम जी रहे हैं तो गलती से हमारे पास भी ऐसी कोई खबर आती है जो शेयर हो जाती है, फिर हम उसे डिलीट कर देते हैं। और तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब टीवी पे भी जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी, कितने सारे मतलब फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को फिर गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन प्रशांत टारगेटेड थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और दूसरी बात यह कि चैलेंज सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जो लीगल एड का जो पूरा मामला है, जो फीस हो गया या उससे जुड़ा प्रशांत मतलब उससे जुड़ा और भी खर्चे जो होते हैं, वो उसको मेंटेन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। और तीसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि जो प्रशांत के लिए जो लोगों को आवाज जो उठानी चाहिए वो नहीं उठा पा रहे हैं, वो एक्चुअली वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रशांत जब ट्विटर पे लिखते थे या जब उन्होंने पत्रकारिता भी की है, वो हर मुद्दे पे अपनी आवाज मतलब लिखते थे, वो उस पर बोला करते थे कि जैसे अगर मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है या वंचितों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, हर उस पर उन्होंने अपनी आवाज मतलब लिखी है, उस पर दी है अपनी आवाज। वो बहुजन समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। तो जी बिल्कुल। प्रशांत, अभी जैसे आपने बोला, तो क्या कारण, जैसे पिछली बार उनको, जब पिछले साल उनको इसी वजह से एक पहले भी जेल में डाला गया है, तो उस टाइम पे काफी लोग जो हैं बोल रहे थे इसके लिए, लेकिन इस बार कहीं से कुछ देखा नहीं गया है। बहुत कम लोग हैं जो प्रशांत के लिए बोल रहे, तो उसका एक क्या कारण हो सकता है?
ये सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि वो इतने एग्रेसिव तरीके से क्यों लिखते हैं, उनकी भाषा पे भी लोग बात कर रहे हैं, वो पूरा मोरालिटी की बात कि आपको इस तरीके से बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए आपको, मतलब मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जब आप किसी एक तानाशाह के सामने जब आप बात करते हैं, या किसी एक ऐसे व्यक्ति के सामने जब आप बात करते हैं जो बोल बहुत सारे लोगों पे जुल्म ढा रहा है, या जो भी जिस तरीके से कर रहा है, अभी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो उस पे अगर सवाल पूछ रहे हैं जो भाषा का कोई मापदंड नहीं है, मतलब ऐसे तो आप कुछ भी आप नहीं सवाल कर पाएंगे। अगर भाषा पे ही आप केंद्रित रहेंगे तो आप जर्नलिज्म भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोगों ने केस भी नहीं समझा है कि किसी थर्ड पर्सन ने जाके गिरफ्तारी करवाई है प्रशांत की, और सुशील तिवारी ने खुद भी नहीं कराई है, जबकि सुशील तिवारी के जो अपने ओरिजिनल पोस्ट भी है वो बहुत ज्यादा कम्युनल है, इस्लामोफोबिक है, कास्टिस्ट है, अभी भी वो पूरा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसपे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और प्रशांत पिछले 1 महीने से जेल में है, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है कि लोग इस पर बात तक नहीं कर रहे हैं। तो ये मामला एक शुरू हुआ था एक पोस्ट के, जो बताया गया जो पोस्टर था सुशील तिवारी का, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, और उनका जो पोस्टर था वो एडिट कर दिया गया था, और प्रशांत की प्रोफाइल से वो शेयर किया गया था जिसमें कुछ गलत लिखा था जो सुशील तिवारी ने कहा ही नहीं। तो जब वहां से वो मामला शुरू हुआ, तो उसके अलावा भी जो है कई लोग जो है उल्टा सीधा लिखते हैं, चाहे वो दलितों के लिए हो, मुस्लिमों के लिए हो, या और दूसरे बहुजन लोगों के लिए हो, तो उनके खिलाफ कभी देखा है आपने किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं? देखिए, उनके खिलाफ तो कोई गिरफ्तारी, जैसे मैं भी बता रही हूँ कि जो वो पोस्टर था वो बहुत पहले से शेयर हो रहा था, ऐसे बहुत लोगों ने उसे शेयर किया, और ओरिजिनल जो पोस्टर था सुशील तिवारी का वो भी पूरी तरीके से उसको संज्ञान में लेना चाहिए, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जिसने ओरिजिनल पोस्टर बनाया उसकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि किसने बनाया। प्रशांत ने तो वो शेयर किया है सिर्फ, ऐसे तो अगर गिरफ्तारी करने में आएंगे तो आप कितने सारे लोगों की गिरफ्तारी कर देंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो कि प्रशांत पहुंची है, वो भी इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे मुद्दों पर लिखते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे, सरकार से सीधा सवाल कर रहे थे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी बेल होने में क्या दिक्कतें आ रही हैं जगीशा? बेल होने में यही है कि अब वो हाई कोर्ट ने यही बोला है कि सरकार से जवाब मांगा कि काउंटर करने के लिए, कि आप एक काउंटर लाइए कि प्रशांत को बेल क्यों दी जानी चाहिए, तो उसी लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। 4 हफ्ते का वक्त अभी दिया है, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है प्रशांत को जेल गए हुए, 4 हफ्ते यानी 1 महीना और है, तो इतना लंबा टाइम खींचने के लिए, एक छोटी सी सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए इतना लंबा टाइम खींच दिया गया है, तो और क्या चीजें आपको लग रही हैं कि क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वजह साफ है कि जब आप जितने भी आप लोगों को देखिए, जितनी भी गिरफ्तारी हुई है उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही कि वो लोग अपनी आवाज उठा रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे अभी जितने भी NTCA प्रोटेस्ट जब हो रहा था, उनकी अब कितनी गिरफ्तारी हुई है, वो भी कोविड के टाइम पे। हम ये क्यों बोल रहे हैं कि कोविड के टाइम पे इतनी सारी गिरफ्तारियां हुई है, जबकि कोविड का बहाना देके बहुत सारी चीजें रोक दी जा रही है, प्रोटेस्ट रोक दिए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारियां तो फिर भी हो रही है, लोगों की जांच की जा रही है, मतलब जैसे हमारे घर में भी पुलिस सीधा आती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो ये अपने आप में कितना डराने वाला है कि कोविड के टाइम पे भी ये सब हो रहा है, क्योंकि वो लोग आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे, या चाहे प्रशांत CA के प्रोटेस्ट में भी, वो NTCA के प्रोटेस्ट में वो जा रहे थे, बोल रहे थे, चाहे आप उमर खालिद की गिरफ्तारी ले लीजिए अभी हाल फिलहाल में, तो वो भी दिखाता है कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस एक छंद के तरीके से काम कर रही है कि सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी इस टाइम पे जब इतना महामारी के टाइम पे हम लोग जी रहे हैं, और उस टाइम पे भी इस तरीके का माहौल है। अभी NCRB का जो इस साल आया था, डेटा आया था, उसमें बताया गया था कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम सबसे ज्यादा जेल में बंद है, जबकि OBC और सवर्ण लोगों के साथ ऐसा नहीं है, उनकी जनसंख्या के हिसाब से वो सबसे ज्यादा जेल में बंद है, तो प्रशांत भी उन्हीं में से एक है, डॉक्टर कपिल भी उन्हीं में से एक है, तो ये मतलब एक बहुत ही अजीब बात है कि अगर आप आवाज उठाते हैं हक के लिए, अधिकारों के लिए, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो अभी भीमा कोरेगांव का आप देख सकते हैं, भीमा कोरेगांव में आए दिन किसी ना किसी की गिरफ्तारी होती जा रही है, तो ये बहुत विचलित कर रहा है। तो प्रशांत
के बाहर आने पे आप क्या आगे करेंगी, क्या आपका रहेगा कि आपको क्या प्लान है आपका आगे? देखिए, जो सरकार का जो साफ साफ निर्देश है वो सिर्फ यही है कि आप आवाज ना उठाएं, आप मतलब किसी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप मत बोलिए। लेकिन हमारा यही एक वो है प्लान कि जैसे प्रशांत को किसी तरीके से निकालना है बाहर, उनका बाहर आना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग शायद हम बहुत डर गए हैं कि अब हम कुछ भी बोलने से पहले हम शायद बहुत बार सोचा करेंगे कि ये बात सही है कि नहीं है, कि हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। और ये संदेश साफ साफ है, हर एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये साफ संदेश दिया जाता है कि आप ना बोले, आप लिखे नहीं, कोई भी कुछ भी गलत हो रहा है आप उस पर चुप रहिए। जबकि कोविड के टाइम पे भी दलित एट्रोसिटी सबसे ज्यादा बढ़ी है, और ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि दलित एट्रोसिटी बढ़ी है उस वक्त भी, जब इस टाइम पर भी जब इस तरीके का काम हो रहा था। आप सोचिए ना कि यही वो बोलना चाह रहे हैं कि आप मत बोलिए, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप चुप रहिए। तो उनका साफ सा संदेश यही है। जब से प्रशांत जेल में गए हैं तो आपको कोई धमकी मिली है या कुछ ऐसा मिला है, थ्रेड मिली है, या लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, या आपके साथ लोग बढ़ गए हैं, क्या रहा है उसके जाने के बाद, प्रशांत के जाने के बाद? धमकी तो ऐसा जो अभी तक कोई नहीं मिली है, लेकिन लोगों का साथ छोड़ना यही है कि बहुत ये पता चला है कि बहुत सारे लोग पीछे हटे हैं, क्योंकि अब लोग एक्चुअली लोग बचना चाह रहे हैं कि हम लोग ना बोले, हम लोग इस विषय पे दूर ही रहे, तो वो दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुजन सर्कल में से सबसे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हूँ कि जो जिस तरीके से वो बढ़ के सामने आए हैं, सामने एकदम हाथ बढ़ाया है और मदद की है, और बहुत मतलब बोल मेरे लिए आवाज भी उठाई है, मेरे साथ में मतलब आवाज उठाई है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा मैं मतलब बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। जगीशा, आप कोई संदेश देना चाहती हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं, संदेश देना चाहती हैं या कोई हेल्प लेना चाहती हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं हमारे माध्यम से, दाशुद्ध के माध्यम से। संदेश मेरा यही है कि हम अभी लीगल एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरत है। तो बस लोगों का यही है कि लोग बोलना जारी रखें, लोग अपनी आवाज उठाते रहें और डरे ना, मतलब हम लोग तो बहुत डर गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो डरे ना और अपनी आवाज उठाते रहें, बस यही मैं बोलूंगी। को कोई हेल्प चाहिए तो आप दाशूद्र के माध्यम से भी कह सकते हैं। बस हेल्प यही चाहिए कि लीगल एड में जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, जो हमें फाइनेंशियल तौर पे जो मदद चाहिए, बस उसी की वो है, और बस इतना ही बोलना चाहूंगा। आप अपने पति से इतने दिनों से नहीं मिली हैं जगीशा, तो कोई इमोशनल जो हालात से आप गुजर रहे हैं उनको आप शेयर करना चाहेंगी यहाँ? बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ एक पार्टनर ही जान सकता है कि मतलब हम लोग एक दूसरे के लिए मतलब कितना जुड़े हुए थे, और जब वो नहीं है तो बहुत सारी चीजें दिक्कत होती है, जैसे आप ठीक से आप खा नहीं पाते, ठीक से आप वो नहीं पाते, ठीक से आप मतलब सोच भी नहीं पाते, मतलब उस पूरे दौरान मुझे कितनी बार एंजाइटी अटैक आना हुआ, चाहे कुछ भी हो, मतलब वो सबसे मैं गुजर रही हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी एक हिम्मत है जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो मेरी अभी भी विश्वास है, बहुत सब सब कुछ बिगड़ने के बावजूद भी, और जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे, जुडिशरी पे भी मुझे विश्वास है कि अगर प्रशांत ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है तो जीत तो हो जाएगी, मतलब वो बाहर आएंगे और सच तो हमेशा जीतता ही है। तो संविधान पे हमें विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि जो हमारा समाज है, बहुजन समाज है, उनको आवाज उठाने की समय समय पर सजा मिलती रही है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, हमें अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखनी है। तो हमारे साथ थी स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की पत्नी जगीशा अरोड़ा, जिन्हें बहुत टाइम बाद, लगभग 1 महीने बाद वो बोलने आई हैं, खुलकर बोलने आई हैं, तो हमें हिम्मत बना के रखनी होगी। थैंक यू जगीशा, थैंक यू सो मच। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 222333009468935।
IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।